लद्दाख के गलवान घाटी में जिस तरह से भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों बीच में हिंसक झड़पें हुई है, उस पर स्वदेशी जागरण मंच यहां पर अपना विरोध प्रदर्शन जता रहा है। और तीन मूर्ति चौक पर स्वदेशी जागरण मंच के कुछ लोग आए हैं जो कि चाइना का विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से मेड इन चाइना की बातें हो रही हैं, उसका बहिष्कार करने की बातें हो रही हैं, उसी को कहीं ना कहीं जो है वो समर्थन करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच के तमाम कार्यकर्ता आए हैं। हालांकि पुलिस ने चाणक्यपुरी पुलिस थाने से पहले ही इन्हें रोक लिया है और गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया है, यानी कि इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तमाम जितने भी यहाँ पे स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद में हैं और वो इस बात का खुलकर विरोध कर रहे हैं कि चाइना से बनी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे तभी जाकर चाइना को हम सबक सिखा सकेंगे। तमाम जितने भी समर्थक हैं उन्हें यहाँ पकड़ लिया गया है और उन्हें अब जो है वो प्रोटेस्ट नहीं करने। क्या कहेंगे देश में जो चीन के बॉर्डर पर जो हुआ है चीनी की सेना ने, क्या हम बर्दाश्त नहीं करेंगे? चीन के बॉर्डर पर जिस तरह से हिंसक झड़पें भारतीय सैनिकों के साथ हुई हैं, साथ ही साथ लेफ्टिनेंट जनरल को भी जो है वो शहीद होना पड़ा है उन हिंसक झड़पों में, उसी का बहिष्कार कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने उन तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है और जो पुलिस की गाड़ियां हैं उनमें भरकर ले गए हैं, लेकिन साफ तौर पर स्वदेशी जागरण मंच का ये जो विरोध प्रदर्शन है वो इस बात का सबूत है कि जिस तरह से चीनी सैनिकों के बीच में झड़पें हुई, चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की झड़पें हुई हैं, उसका पूरी तरीके से विरोध किया जा रहा है। सर, किस तरह से जो है वो अभी इनको ले जाया गया है, इन्होंने किसी बात का क्या विरोध किया था? यहाँ पे अलाउड नहीं है, इलीगल है यहाँ पे, इनको कोई परमिशन नहीं थी यहाँ पे आने के लिए। तो ये जो है वो जो जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उसकी इजाज़त नहीं थी और उसी वजह से जो है पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है, लेकिन साफ तौर पर स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता थे और भारतीय सैनिकों के साथ चीनी सैनिकों की जो हिंसक झड़पें हुई हैं उस पर विरोध अपना जताने आए थे। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, News 24। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें। कोरोना वायरस की कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या फिर इलेक्शंस की, आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर हो, इलेक्शंस की खबर हो, कोई भी कंट्रोवर्सी हो या फिर वायरल वीडियो, सब मिलेगा News 24 पर। तो जुड़िए हमारे साथ और देखिए News 24।